हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट वीडियो में करा दिए हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स कॉस वाई अपॉन में एक्स प्लस साइन वाई अपॉन में एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन में एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन में एक्स एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है वाई अपॉन एक्स की, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की हम इसमें करेंगे इसको इस फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो है इधर इधर तो है ही बराबर है, तो डी वाई और यहाँ पर डी एक्स है, ये है ना, ये डी एक्स में इसके नीचे लेकर आया और इसको इधर लेकर आया। ध्यान से देखना, ये बनेगा हमारे पास ब्रैकेट वाई साइन वाई अपॉन में एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन में एक्स ब्रैकेट के बाद एक्स अपॉन में, ये पूरी टर्म आएगी एक्स कॉस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन में एक्स ब्रैकेट वाई। हमने मान लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट। इस क्वेश्चन में हमें यह भी बताना है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो हम कैसे बताते थे, एक हम नॉन जीरो कांस्टेंट लेते हैं लैम्डा, पहले तो हम यहाँ से फंक्शन लेट कर रहेंगे, लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये क्या है एफ एक्स हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म आती है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें फंक्शन, तो फंक्शन है हमारे पास वाई साइन वाई अपॉन में एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन में एक्स ब्रैकेट एक्स अपॉन में एक्स कॉस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्स और वाई को रिप्लेस करने जा रहे हैं। एक्स को तो रिप्लेस करेंगे लैम्डा एक्स से और वाई को रिप्लेस करेंगे लैम्डा वाई से। क्लियर, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ जाएगा वाई लैम्डा वाई साइन वाई लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स प्लस सॉरी माइनस है एक्स की जगह लैम्डा एक्स और कॉस वाई की जगह लैम्डा वाई एक्स की जगह लैम्डा एक्स, ये हो जाएगा लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा एक्स प्लस वाई साइन, ये लैम्डा वाई है, लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। यहाँ से अगर हम देखेंगे लैम्डा कैंसिल आउट होगा यहाँ से, और ये लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये लैम्डा कॉमन आने के बाद, नीचे से कॉमन आने के बाद कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो लैम्डा की पावर क्या बचेगी यहाँ पर, जीरो। जीरो ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो होमोजीनियस फंक्शन है उसकी डिग्री जीरो है, तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो ये बनेगा लैम्डा एक्स वाई। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, ये हमने शो कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जब यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग जानते हैं, हमें पुट करना पड़ेगा या सब्सिट्यूट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू वी एक्स एंड इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। इन इक्वेशन फर्स्ट में हमें पुट करना पड़ेगा। देखो y अपॉन में वी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा निकलकर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज v, सेकंड का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, ठीक है ये फर्स्ट है ये सेकंड, प्लस अब जो है सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव dv अपॉन dx, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। इसको हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह हमें ये पुट करना पड़ेगा, ठीक है, और y की जगह वी एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस
और वाई की जगह आ जाएगा वी एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है, प्लस वाई की जगह आएगा वी एक्स, ये हो जाएगा साइन वी एक्स अपॉन में एक्स, ये आ जाएगा वी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास y की जगह क्या आएगा वी एक्स, y की जगह आ जाएगा हमारे पास वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन में एक्स माइनस एक्स कॉस वी एक्स अपॉन में एक्स y की जगह, और ये आ जाएगा x, क्लियर। ये x तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये x भी कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स कॉमन लिया हमारे हमने, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया कॉस वी, ये बच गया कॉस वी प्लस एक्स बाहर आ गया वी साइन वी, बाहर इतना है हमारे पास वी अपॉन में, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो वी साइन वी माइनस एक्स बार आ गया कॉस वी, ये हो जाएगा 1 बचा यहाँ पर, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, वी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन में वी साइन वी माइनस कॉस वी, और इस वी को मैं इधर लेकर आऊँगा तो हमें मिलेगा एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन में वी साइन वी माइनस कॉस वी माइनस का वी। अब यहीं पर ही मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ये मैंने एलसीएम लिया वी साइन वी माइनस का कॉस वी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी, अब इसकी माइनस में होगी तो माइनस का वी स्क्वायर साइन वी, माइनस वी किस में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा प्लस वी कॉस वी, यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो, ये प्लस की टर्म है ये माइनस की, ये दोनों प्लस की दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में बचाएगा हमारे पास एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, तो हो जाएगा टू वी कॉस वी अपॉन में वी साइन वी माइनस का कॉस वी। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस टू को यहीं रहने दूंगा, इतने को जो है मैं इधर लेकर आऊँगा, ये वी वाला फंक्शन है ना, इधर लेकर आऊँगा एक्स को और डी एक्स को इधर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट स्टेप देखना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर जाने के बाद, तो हो जाएगा वी साइन वी माइनस का कॉस वी अपॉन में आ जाएगा वी कॉस वी, और इधर बचेगा हमारे पास डी वी, तो ये x इधर आएगा रेसिप्रोकल होकर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, क्लियर सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा v साइन v अपॉन में v कॉस v माइनस कॉस v अपॉन में v कॉस v, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा डी वी, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से v कैंसिल आउट, साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा टेन वी, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा टेन वी माइनस ये होगा 1 अपॉन वी, ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, हमें पता है इंटीग्रेशन टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स, अगर प्लस में लेंगे तो जाएगा लॉग सेक एक्स, ठीक है, ये टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो मैं इंटीग्रेशन का सिंबल यहीं लगा देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो टेन एक्स का कितना हो जाएगा, हम ये वाला लेंगे पॉजिटिव वाला, तो ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स, ठीक है, टेन एक्स का हो गया हमारे पास लॉग सेक एक्स माइनस 1 अपॉन वी का लॉग वी, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स,
और प्लस जब लॉग की टर्म आ रही है ट्रिगोनोमेट्रिक है तो जो कांस्टेंट लेंगे वो हम लॉग सी में लेंगे कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे लॉग रूल लग रहेगा, यहाँ भी लॉग रूल लगेगा, क्योंकि हमें पता है लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन, ठीक है, मल्टीप्लाई में होते हैं जब ये प्लस में होता है, और जब माइनस में होगा तो ये डिवाइड में होंगे, जो प्लस वाला है वो ऊपर आएगा। ये दोनों रूल मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग प्लस वाला ऊपर आएगा सेक वी अपॉन में वी, यहाँ हो जाएगा लॉग सी एक्स, ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हमारे पास लॉग सी एक्स। यहाँ पर हम टू लिखना भूल गए हैं ना, देखिए ये वाला टू, तो इसकी जो है यहाँ पर ये टू भी है मल्टीप्लाई में ना, टू मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ भी टू मल्टीप्लाई में है, टू बाहर ले लिया हमने, तो टू लॉग एक्स हो जाएगा। ये जब ये लॉग मल्टीप्लाई में होता है यहाँ पर इसके, तो ये ज़्यादा पावर में, क्योंकि हमें पता है एन लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एन, ठीक है, तो पावर कहाँ हो जाएगी, ये एक्स पर आ जाएगी, क्लियर? ये टू जो है हम यहाँ पर भूल गए थे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, लॉग से लॉग कैंसिल आउट, लॉग से लॉग कैंसिल आउट, वी इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा सेक वी इज इक्वल टू वी सी एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ, हमारे पास मिल गया। अब यहाँ पर हमें वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने लिया था वाई इज इक्वल टू वी एक्स इम्प्लाइज दैट वी इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स, ये हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा वी की जगह पर, तो हो जाएगा सेक वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से थोड़ा जब स्टैंडर्ड आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं, ये एक तो कैंसिल हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन में कॉस वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू वाई सी एक्स, ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सी को हम इधर ही रहने देंगे ना, और दो टर्म को हम इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो y x cos y अपॉन में x, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करें, और अभी सी भी चलो अभी लिख लेते हैं हम यहाँ पर, इज इक्वल टू वन आ गया। अब हम जो है इस c को इधर भेज देंगे, ठीक है, यहाँ देखिए, तो हो जाएगा x में पहले लिख लेता हूँ y cos y अपॉन में x वन अपॉन c, वन अपॉन c हो गया। इस c को, वन अपॉन c को हम अनदर कांस्टेंट ले लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, या कैपिटल C ले लो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो स्टैंडर्ड हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी y अपॉन में x इज इक्वल टू k ले लो या c ले लो, बात एक ही है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, x डिवाइड डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, तो इसको हमें डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में हमें इसको बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है, तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये टर्म इधर जाएगी पूरी तो प्लस की हो जाएगी, वाई प्लस का होगा माइनस का एक्स साइन y अपॉन में x, ये जाएगा इसके डिनोमिनेटर में x, हम मानेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले तो हम इसको शो करेंगे dy बाई डी एक्स जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो कैसे शो करते हैं, अगर होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री जीरो आ जाए तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ से हम फंक्शन आ जाएगा हमारे पास लेट f ऑफ x y इज इक्वल टू वाई एक्स साइन वाई अपॉन में x अपॉन में x, यहाँ पर हम x और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x और लैम्डा y, लैम्डा क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा y माइनस लैम्डा x साइन लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x अपॉन में लैम्डा। यहाँ से अगर हम देखें ये लैम्डा जो है यहाँ से कॉमन आएगा और लैम्डा यहाँ से नीचे से जो डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएंगे,
तो ये जो बचेगी लैम्डा की पावर जीरो बचेगी। जब लैम्डा की पावर जीरो बची तो ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन, इसकी डिग्री जीरो जीरो है। तो जीरो जब होती है इसकी डिग्री तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब हमें जो है यहाँ पर जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्व करने का तरीका है पुट वाई अपॉन में वी एक्स। ठीक है, पुट वाई अपॉन में वी एक्स, वाई इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ये तो हमने शो करा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये कैसा आया, इसका डिफरेंशिएशन करा, ये आएगा प्रोडक्ट रूल लगकर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें डी वाई डी एक्स की जगह हम ये पुट करेंगे तो हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह आ जाएगा वी एक्स माइनस एक्स साइन वी एक्स अपॉन में एक्स अपॉन में एक्स। क्लियर, ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे हम, तो हो जाएगा वी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स मैंने कॉमन लिया v माइनस ये हो जाएगा साइन v अपॉन में x, ये कैंसिल आउट हो गया। ये जो है हमारे पास प्लस है, इधर भी प्लस है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो आया बचकर x dv अपॉन में dx एक्स माइनस का साइन v, ये हमारे पास बचेगा। अब v जो है, v का फंक्शन साइन v है, तो इधर लेकर आना इस x और dx को, इधर लेकर जाना है, माइनस को यहीं रहने देना। तो वन अपॉन साइन वी डी वी माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन इसका कर देंगे। तो लिख देता हूँ मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड और यहाँ पर जो है हम कर लेते हैं इसको वन अपॉन साइन वी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जब हम करेंगे कोसेक वी डी वी, मैंने इसको चेंज कर लिया कोसेक में, तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे वन अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का कितना होता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो एक्स की जगह वी है तो ये हो जाएगा लॉग कोसेक वी माइनस कॉट वी इज इक्वल टू, यह हो जाएगा माइनस, तो माइनस भी है यहाँ पर है ना, माइनस का लॉग एक्स। ठीक है, जब सारी लॉग में टर्म आ रही हैं तो कांस्टेंट भी हम लेंगे लॉग में, लॉग सी, यहाँ पर लॉग रूल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लॉग रूल लग जाएगा क्योंकि हम जानते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन जो प्लस वाली टर्म होती है ऊपर आती है और जो माइनस वाली टर्म होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे लॉग कोसेक वी माइनस का कॉट वी इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन में एक्स, क्योंकि एक्स माइनस है, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर जो हमारे पास मिला, और एक चीज़ और, यहाँ पर हम वी की जगह पुट करना है ना, तो हमें पता है हमने लिया था वाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो हमें पुट करना है वी अपॉन में वाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे v की जगह y अपॉन में x, तो ये हो जाएगा कोसेक y अपॉन में x माइनस कॉट y अपॉन में x अपॉन में सी एक्स। तो कोसेक y अपॉन x को हम लिख सकते हैं वन अपॉन में साइन y अपॉन में x, तो कॉट को हम लिख सकते हैं, ये माइनस है, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस y अपॉन में x साइन y अपॉन में x इज इक्वल टू सी एक्स। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो साइन y अपॉन में x ये हो जाएगा वन माइनस कॉस y अपॉन में x इज इक्वल टू सी अपॉन में x। ठीक है, तो हम
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 माइनस कॉस y अपॉन में x इज इक्वल टू c साइन y अपॉन में x। ये हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये मिल जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, y dx प्लस x log y अपॉन में x dy माइनस 2x dy। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो हमें बनाना पड़ेगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू f ऑफ xy, इस तरह का हमें ये बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं x वाली टर्म उधर लेकर जाते हैं ना, x वाली टर्म उधर लेकर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x log y अपॉन में x, dy मैंने कॉमन ले लिया 2x, ये मैंने dy कॉमन लिया माइनस का y dx। ठीक है, ये हो गया माइनस का y dx। अब इसको पूरे को मैं इधर लेकर जाऊंगा और dx को इधर लेकर आऊंगा, तो हो जाएगा dy अपॉन में dx माइनस का y अपॉन में x log y अपॉन में x माइनस का 2x। एक काम और करते हैं, नीचे से माइनस कॉमन लेके थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो माइनस का y नीचे से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस x log y अपॉन में x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y अपॉन में 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन में एक्स। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो पहले तो हमें ये सब करना है, डीवाई बाई डी एक्स क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने फंक्शन ले लिया लेट f इज इक्वल टू f f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन में 2x माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन में एक्स। एक्स को हमें रिप्लेस करना है लैम्डा एक्स है, अब वाई को रिप्लेस करना है लैम्डा वाई से, तो होगा लैम्डा वाई अपॉन में टू लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा एक्स लॉग लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स। ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कॉमन आ गया, ये लैम्डा कॉमन आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा की पावर बचेगी जीरो, तो होमोजीनियस फंक्शन की पावर जीरो है तो वो कहलाती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं dy वाई बाई डी एक्स इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो हमने यहाँ पर इसको शो कर दिया, जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें पुट करना होता है y अपॉन में वी एक्स एंड dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ये टर्म कैसा आएगी, इसका डिफरेंशिएशन करके प्रोडक्ट रूल लगाकर, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसकी जो जरूरत इसके शो करने की जरूरत नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का लिख सकते हो इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो dy बाई डी एक्स की जगह तो ये टर्म आएगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू y की जगह आ गया वी एक्स अपॉन में 2x माइनस एक्स लॉग वी एक्स अपॉन में x, तो x x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, है ना, x कॉमन लिया हमने 2 माइनस लॉग v, x कॉमन लिया है ना यहाँ से, x तो x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया, ये भी इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अभी मैं एक स्टेप यहाँ इसको लिख बड़ा आगे कर देता हूँ, 2 माइनस लॉग v, नेक्स्ट स्टेप में v को मैं इधर भेजूंगा, x डी वी अपॉन में डी एक्स वी 2 माइनस अपॉन में लॉग v माइनस का v हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ से एलसीएम लेंगे हम, इसके नीचे 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम तो आ गया इसका 2 माइनस लॉग v, ठीक है, लॉग है 2 माइनस लॉग v, तो v माइनस 2v, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस v log v, ये हमारे पास टर्म यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ से हम क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का, है ना, एक कम हो जाएगा तो माइनस का v, इसको पहले लिख लेता हूँ,
वी लॉग वी मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, तो माइनस का वी यहाँ पर बचेगा अपॉन में टू माइनस लॉग वी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, तो एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, वी मैंने कॉमन लिया इसमें से, लॉग वी माइनस का वन अपॉन में टू माइनस लॉग वी, ठीक है। अब इसको मैं इधर लेकर आऊँगा, इस x को इधर लेकर जाऊँगा, dx भी इधर आएगा, तो ये तो हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये जाएगा 2 माइनस का log v अपॉन में v log v माइनस का 1 डी वी इधर ही रहने दो, तो हो जाएगा 1 अपॉन x dx, ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है जो मुझे ये मिल जाए, ठीक है, जो मुझे इधर ये मिल जाए, तो इसको मैं, वैसे तो ये होगा पार्शियल से ना, पार्शियल फ्रैक्शन से, लेकिन हम यहीं पर इसको करना चाहेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा वन प्लस ब्रैकेट लगा लो वन माइनस लॉग वी, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी ब्रैकेट में लॉग वी माइनस का वन डी वी अपॉन में वन अपॉन एक्स डी एक्स, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैं जो है इसको इस वन के नीचे ये लिखने जा रहा हूँ, इस पूरे के नीचे ये लिखने जा रहा हूँ, तो हो जाएगा वन अपॉन में वी लॉग वी माइनस का वन, और ये हो जाएगा प्लस वन माइनस का लॉग वी अपॉन में वी लॉग वी माइनस का वन, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ से तो ये ऐसे ही रहेगा, तो वन अपॉन में वी ब्रैकेट लॉग वी माइनस का वन प्लस, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया, तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, वी लॉग वी माइनस का वन, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो हो जाएगा डी वी यहाँ वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट होने के बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन में वी लॉग वी माइनस का वन, यहाँ आ जाएगा माइनस वन अपॉन वी, ब्रैकेट लगा लेते हैं डी वी वन अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूशन से होना है, ठीक है, इसका हम कर सकते हैं माइनस लॉग वी, तो इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन वन अपॉन में वी लॉग वी माइनस का वन डी वी, तो इसका तो हो जाएगा लॉग वी, है ना, तो इसका हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा सारी टर्म लॉग में, तो लॉग सी, कॉन्स्टेंट भी हम किस में लेंगे, लॉग सी में, देखो इसका सब्सटीट्यूशन मैं करने जा रहा हूँ इसके लिए, ठीक है, इसके लिए मैं सब्सटीट्यूशन करने जा रहा हूँ, पुट लॉग वी माइनस का वन इज इक्वल टू टी, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वन अपॉन वी, वन का करा जीरो, डी वी इज इक्वल टू डी टी, तो वन अपॉन में वी डी वी की जगह आ जाएगा डी टी, और लॉग वी माइनस वन की जगह आ जाएगा टी, तो मैं यही कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ये डी टी आ गया इसकी जगह टी, तो हो जाएगा लॉग टी, है ना, तो लॉग टी का टी की वैल्यू क्या है, लॉग वी माइनस का वन, तो मैं इसकी जगह ये रिप्लेस करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं अंदर ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप देखना बहुत ध्यान से, तो ये हो जाएगा लॉग लॉग वी माइनस का वन, ठीक है, माइनस का लॉग वी, इसकी हम करेंगे लॉग रूल लगाकर, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स सी या सी एक्स, यहाँ भी लॉग रूल लग जाएगा माइनस वाला, तो लॉग एम माइनस का लॉग एन, तो लॉग जो प्लस होता है उसकी वैल्यू ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें इसको, तो ये हो जाएगा लॉग लॉग वी माइनस का वन अपॉन में वी इज इक्वल टू लॉग एक्स सी, लॉग से लॉग कैंसिल आउट कर देंगे हम, ठीक है, लॉग से लॉग कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर बचा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लॉग वी माइनस का वन इज इक्वल टू
ये हो जाएगा हमारे पास वी एक्स सी। जो पुट करा था y इज इक्वल टू वी एक्स इम्प्लाइज दैट हमें पुट करना पड़ेगा v अपॉन में y x, तो v को हम यहाँ से रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो हो जाएगा log y अपॉन में x माइनस का 1 y अपॉन में x इंटू एक्स सी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमें मिल गया log y अपॉन में x माइनस का 1 इज इक्वल टू सी वाई। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई डी वाई। यहाँ पर जो फॉर्म बनानी है हमें, देखो कौन सी फॉर्म आ रही है, देखते ही क्वेश्चन पता लग रहा है, एक्स अपॉन में वाई एक्स अपॉन में वाई एक्स अपॉन में वाई, इसका मतलब हमें बनाना होगा डी एक्स अपॉन में डी वाई एफ ऑफ एक्स वाई। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे वो ये था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये जो क्वेश्चन होगा ये होगा डी एक्स अपॉन में डी वाई, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बनना है एक्स अपॉन वाई का ये बनना होगा, तो इसके लिए हमें इस तरह की हमें फॉर्म बनानी पड़ेगी और पुट करना पड़ेगा हमें। हम इसमें पुट करते थे, इसमें y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे, इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई। क्लियर, x इज इक्वल टू वी वाई और डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी अपॉन में डी वाई। ठीक है, ये हम पुट यहाँ पर करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो हम फॉर्म बनाएंगे ये डी एक्स अपॉन में डी वाई। देखिए तो डी वाई यहाँ पर है, डी एक्स को हमें यहीं पे रहने देना है, डी एक्स को हमें यहीं पे रहने देना है डी एक्स वाली टर्म को। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में वाई डी एक्स, इसको इधर भेज देना है तो हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। अब डी वाई को मैं इधर लेकर आऊँगा और इस पूरी टर्म को इधर लेकर जाऊँगा। ठीक है, तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन में वाई 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में वाई, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें ये शो करना पड़ेगा डी एक्स अपॉन में डी वाई ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम कैसे करते हैं, एक हम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट ले लेंगे लैम्डा। तो पहले तो यहाँ से मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन में वाई 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में वाई। यहाँ हम रिप्लेस करेंगे x को लैम्डा x है और y को लैम्डा y है, तो ये जाएगा एफ ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू माइनस ई की पावर लैम्डा x, ये हो जाएगा लैम्डा वाई 1 माइनस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अपॉन में 1 प्लस ई की पावर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। यहाँ पर अगर हम देखो तो सारे लैम्डा जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जब सारे लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएंगे तो लैम्डा की जो पावर है वो क्या बचेगी, जीरो, जो डिग्री आएगी इसकी जीरो। तो ऐसा होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री जीरो हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं हैंस जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन है डी एक्स अपॉन में डी वाई इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी फॉर्म है डी एक्स अपॉन में डी वाई, तो हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड डी एक्स अपॉन में डी वाई की जगह हम पुट करेंगे v प्लस वाई डी वी अपॉन में डी वाई। ये कैसा आया, x इज इक्वल टू वी वाई है, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का y का हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू y, तो 1 प्लस वाई एज इट इज, और v का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो डी वी अपॉन में डी वाई ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर। अब इसको हमें पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, है ना, डी एक्स डी वाई की जगह ये रखना है और x की जगह हमें रखना है वी वाई।
ठीक है। चलिए तो इक्वेशन है हमारे पास डी एक्स डी वाई की जगह आ जाएगा वी प्लस, यहां लिख देता हूं इन इक्वेशन फर्स्ट में, वी प्लस वाई डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू ये है हमारे पास इक्वेशन, माइनस ई की पावर एक्स की जगह आ जाएगा वी वाई अपॉन में वाई ब्रैकेट वन माइनस वी वाई अपॉन में वाई वन प्लस ई की पावर वी वाई अपॉन में वाई, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, ये वाई कैंसिल, ये वाई कैंसिल, ये वाई कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा माइनस ई की पावर वी वन माइनस वी, ये हो जाएगा वन प्लस ई की पावर वी। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो इस वी को मैं इधर लेकर आऊँगा, इस वी को हम इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा वाई डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू माइनस ई वी वन माइनस वी अपॉन में वन प्लस ई वी माइनस का वी। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लिया, इसके नीचे बना डिनोमिनेटर में वन प्लस ई की पावर वी एलसीएम आ गया, और ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, इसको मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ, इसका माइनस ई वी वन में मल्टीप्लाई होगी माइनस माइनस प्लस वी ई वी। ठीक है, माइनस माइनस वी हो जाएगा, माइनस और वन में मल्टीप्लाई होगी माइनस वी की, ये हो जाएगा माइनस वी ई वी, और ये माइनस ई प्लस वाली कैंसिल आउट होगी। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा वाई डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया ई वी प्लस वी अपॉन में वन प्लस ई बी। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब जो ई वाली टर्म है वो इधर लेकर आऊँगा, और वाई इधर लेकर जाना है, डी वाई इधर आ जाएगा, उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगी वन प्लस ई बी माइनस, तो इधर ही रहने दो, ठीक है, माइनस वहीं रहने दो, ई की पावर वी प्लस वी डी वी माइनस वन अपॉन वाई डी वाई। क्लियर, अब इसका हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेशन हम लगाते हैं यहाँ पर। क्लियर, अब देखो यहाँ से मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन लगाने जा रहा हूँ। देखो जब मैं इसको टी पुट करूँगा, इसको टी पुट करूँगा, मुझे ये मिल जाएगा, तो मैं यही कर लेता हूँ, पुट ई वी प्लस वी इज इक्वल टू टी, ई वी का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, ई वी वी का डिफ्रेंसिएशन वी वी का डिफ्रेंसिएशन वन सॉरी वी का डिफ्रेंसिएशन वन, और ये डी वी इधर ही लिख लेता हूँ मैं डी टी। ठीक है, विद रेस्पेक्ट हमने वी करा है। अब यहाँ पर देखो ई वी प्लस वन डी वी की जगह क्या आ जाएगा, डी टी, इसकी जगह आ जाएगा टी, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा डी टी अपॉन में टी इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस लॉग सी कॉन्स्टेंट ले लेते हैं हम, सारी टर्म लॉग में आ रही हैं तो इसलिए हम यहाँ पर भी लॉग में ले लेंगे। तो इसका तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन में टी का हो जाएगा लॉग टी, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है हमारे पास ई वी प्लस में वी, तो ये मैं रखने जा रहा हूँ, ठीक है, इसकी जगह मैं ये रखने जा रहा हूँ, लॉग ई वी प्लस वी इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम लगा देंगे इसमें लॉग रूल, है ना, लॉग एम माइनस का लॉग एन, जो प्लस वाली टर्म होती है ऊपर आ जाती है, जो माइनस वाली वो नीचे आ जाती है, तो ये हो जाएगा लॉग सी अपॉन में वाई, ये हो गया लॉग से लॉग कैंसिल आउट। ठीक है, और हमें पुट करना है, पुट हमने वी को रिप्लेस करना है ना, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन में वाई हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये हम पुट करना है इसमें यहाँ पर, ठीक है, इस स्टेप में, तो हो जाएगा ई एक्स अपॉन में वाई प्लस एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू सी अपॉन में वाई। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया इसमें वाई,
तो ये हो जाएगा वाई ई एक्स अपॉन में वाई प्लस एक्स इजिकल टू सी अपॉन में वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट। तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन आएगी हमारे पास, एक्स को मैंने पहले लिख लिया प्लस वाई ई की पावर एक्स अपॉन में वाई इजिकल टू सी, ये हमारी मिलेगी मुझे हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जो क्वेश्चन है 11 से 15 तक, इसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी होगी। तो यहाँ पर हमें शो नहीं करना है ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इजिकल टू जीरो, वाई इजिकल टू वन, वाई वैन एक्स इजिकल टू वन, ठीक है। तो हमें कंडीशन दी गई है, इसमें हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वही फॉर्मेट इसमें निकालेंगे, जैसे डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स वाई, है ना, इस पैटर्न में हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर डी वाई को हम इधर ही रहने देते हैं, जो डी वाई वाली टर्म है, एक्स प्लस वाई डी वाई इजिकल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। अब डी एक्स को मैं इधर लेकर आऊँगा और इसको इधर लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स है, तुम्हें पुट करना होगा, पुट वाई इजिकल टू वी एक्स एंड इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसका डेरिवेटिव इतना होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम ये पुट कर देंगे वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इजिकल टू माइनस एक्स, वाई की जगह आ जाएगा वी एक्स एक्स प्लस वी एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया वन माइनस वी, और ये हो जाएगा एक्स कॉमन लिया वन प्लस वी, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया वन माइनस वी वन प्लस वी, ठीक है। अब इस वी को हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो जाएगा एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इजिकल टू, मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस का वन प्लस का वी अपॉन में वन प्लस वी माइनस का वी, ये वी इधर आ गया, ठीक है। इसी को मैं लिख रहा हूँ वन प्लस वी, एलसीएम आ गया वन प्लस वी, माइनस का वन प्लस वी, माइनस वी की वन में मल्टीप्लाई होगी वी, अब वी की वी में होगी वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का माइनस का वी कैंसिल आउट हो गया, माइनस मैं कॉमन ले लूँगा, माइनस का कॉमन ले लिया माइनस वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वी। अब जो वी वाली टर्म है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे और एक्स को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो ये जब ये इधर आएगी इक्वल से तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वन प्लस वी, माइनस को यहीं रहने दो, वन प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस ये एक्स हो जाएगा रेसिप्रोकल वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, वन के नीचे मैं इसको लिखूंगा, वी के नीचे फिर इसको लिखूंगा, अलग अलग इसको हम कर लेते हैं। तो हो जाएगा वन अपॉन में वन प्लस वी स्क्वायर डी वी प्लस वी अपॉन में वन प्लस वी स्क्वायर डी वी इजिकल टू माइनस बाहर लिया मैंने वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका हम सब्सटीट्यूशन से करेंगे, इसका सब्सटीट्यूशन से करेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ v अपॉन में वन प्लस वी स्क्वायर डी वी, तो हमने पुट कर दिया वन प्लस वी स्क्वायर इजिकल टू टी, डिफ्रेंशिएट करा वन का जीरो हो गया, इसका हुआ टू वी डी वी, इधर लिख लेते हैं dt, तो हमें चाहिए v डी वी, तो v डी वी इधर ही रहने दो, dt टी बाई टू इधर आ गया, क्लियर। अब मैं इसको यहाँ पर रखने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टी, है ना, इसकी जगह t आ गया, और वी डी वी की जगह डी टी बाई टू, टू मैंने बाहर लिया,
ये हो जाएगा डी टी, तो ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू लॉग टी। तो वन अपॉइंट टू लॉग की वैल्यू सॉरी टी की वैल्यू कितनी है, वन प्लस वी स्क्वायर, ये इतना इसका डिफ्रेंशिएट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं ये रखने जा रहा हूँ, ठीक है, और इसकी जगह मैं ये रखने जा रहा हूँ एक्स है, तो टेन इनवर्स वी हो जाएगा ये। तो यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स वी प्लस वन अपॉइंट टू लॉग वन प्लस वी स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स। जब लॉग में सारी टर्म है तो कांस्टेंट में हम किस में लेंगे, लॉग में ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है वी की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो पुट वी इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स, क्योंकि हमने लिया था वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो वी की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, वाई अपॉन में एक्स वापस, तो हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वन अपॉन टू लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे और इसको मैं इधर लेकर आऊँगा और टू के साथ भी हम एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन में x प्लस वन अपॉन टू लॉग एलसीएम आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा इधर आने के बाद लॉग x इज इक्वल टू लॉग सी, और हम वन अपॉन टू के साथ एलसीएम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। इसको तो ऐसे ही रहने, तो टेन इनवर्स y अपॉन में x एलसीएम लेना ना हमें, एलसीएम यहाँ पर आ गया इसका टू, तो यहाँ भी टू की मल्टीप्लाई होगी प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का टू लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें एन लॉग, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर क्या हो जाती है, एन लॉग रूल से, ठीक है। तो टू जो है एक्स के पावर में आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लॉग रूल लगा जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये दो चीज़ मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस टू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स प्लस लॉग, इसको इधर आने के बाद लॉग रूल लगा रहा हूँ मैं इसमें, है ना, लॉग एम प्लस लॉग एन वाला, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो जब प्लस में होती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है दोनों टर्म, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू लॉग सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो टर्म आई टू टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू लॉग सी। हमें यहाँ ये जनरल सॉल्यूशन इसका आ गया, हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है हमें वाई इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू वन, तो हम लिख देंगे गिवन दैट वाई इज इक्वल टू वन, कब, जब एक्स की वैल्यू वन है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन 2 में तो हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में, तो हम c की वैल्यू निकालेंगे, जब c की वैल्यू आने के बाद वापस हम उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कांस्टेंट की वैल्यू के लिए कैसे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ से लॉग एंटी लॉग वगैरह लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या मान लेते हैं, के हमने मान लिया इसको, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा टू टेन इनवर्स वाई की वैल्यू वन एक्स की वैल्यू वन प्लस लॉग वन का स्क्वायर ये इसको मान लेते हैं के, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स वन, तो यहाँ पर जो अगर हम लिखें वन को, वन की वैल्यू कब होती है, वन की वैल्यू टेन में
टेन पाई बाई फोर पर होती है, तो ये टेन से टेन कैंसिल आउट, टू अपॉन पाई बाई फोर, तो टू से ही कटेगा तो कितना आएगा पाई बाई टू, तो टू टेन इनवर्स वन की जगह हम क्या लिखेंगे पाई बाई टू, ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस इसका हो जाएगा लॉग टू, तो ये किसकी वैल्यू आ गई के की वैल्यू आ गई, तो हम लिखेंगे के इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस लॉग टू इन इक्वेशन टू में, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर टू टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस लॉग टू, ठीक है। ये हमें मिलेगा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये मिल जाएगा हमें रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो नंबर 12, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जीरो, कंडीशन दे रखी है हमें वाई इक्वल टू वन व्हेन एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ पर हम बनाएंगे डी अपॉन डी एक्स, हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा अपॉन में, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए ये इधर जाएगा माइनस का, डी एक्स हम वापस इधर लेंगे और इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं पुट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड इसका डेरिवेटिव करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव dv अपॉन में dx इन इक्वेशन फर्स्ट, हमें ये पुट करना पड़ेगा dy बाई dx की जगह ये पुट करना पड़ेगा और y की जगह vx पुट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस x, y की जगह हमने vx रख दिया प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम करेंगे माइनस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलेगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास माइनस का वी और प्लस माइनस हो जाएगा ये भी वी स्क्वायर, ठीक है। अब इस वी को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का वी माइनस वी स्क्वायर माइनस का वी, ठीक है। तो यहाँ से जो हो जाएगा ये माइनस का टू वी माइनस वी स्क्वायर, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस मैंने कॉमन लिया टू वी प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे इसको मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ से हम dx को इधर लेकर जाएंगे और x को इधर लेकर जाऊँगा, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस को यहीं रहने दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2v प्लस v स्क्वायर, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x dx, इसको यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं v, है ना, जब हम कॉमन लेंगे v तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस v और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x dx, ये पार्शियल बन गया यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, तो इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार ये कट जाए एक बार ये कट जाए, इस तरह से इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 प्लस वी, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लें वी टू वी तो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, अगर मैं टू यहाँ पर ऐड करता हूँ, टू पर लेता हूँ तो टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, हमें टू से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, और प्लस ले लेता हूँ वी, ठीक है, प्लस हमने वी ले लिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और इसको इसको हमें कैंसिल आउट करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा, तो एक बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस फॉर्म को मैं ये लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस है, उस तरीके से करता तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता, तो कोशिश करो करो इस तरह से इसको ब्रेक करने की, एक बार ये कैंसिल आउट हो जाए, एक बार ये कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ देखो एक बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, इसकी जगह मैं ये रखने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वी, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस वी अपॉन में 2 वी 2 प्लस वी, ठीक है,
इज इक्वल टू माइनस एक्स वन अपॉन में एक्स डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से वन अपॉन टू हम बाहर ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा टू प्लस वी माइनस का वी अपॉन में वी टू प्लस वी डी वी। ये डी वी भी है इसके साथ यहाँ पर है ना, ये याद में रखना, ये डी वी भी है। इज इक्वल टू माइनस का बाहर लेते हैं वन अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, एक बार इसको लेंगे ये पूरा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एक बार इसको लेंगे ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इंटीग्रेशन में एक ही लगा लेता हूँ, तो हो जाएगा टू प्लस वी अपॉन में टू प्लस सॉरी वी प्लस टू वी और माइनस का वी अपॉन में वी प्लस टू वी, यहाँ हो जाएगा हमारे पास डी वी। इसका इंटीग्रेशन तो होगा माइनस का लॉग एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग एक्स, तो लॉग में वैल्यू है तो हम लॉग सी हम कॉन्स्टेंट ले लेंगे। ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन वन अपॉन में वी माइनस वन अपॉन में टू वी, ठीक है, डी वी। ये हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स प्लस लॉग सी, क्लियर है। इसको इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, सॉरी इसका इंटीग्रेशन करोगे, वन अपॉन टू तो बाहर है कॉन्स्टेंट, वन अपॉन वी का हो जाएगा लॉग वी और माइनस वन अपॉन टू ऑलरेडी बाहर है, इसका हो जाएगा लॉग टू प्लस वी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स प्लस लॉग सी। यहाँ पर मैं लॉग रूल लगा ले जाता हूँ, ये देखो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन में एन, क्लियर। जो माइनस वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो वन अपॉन टू लॉग वी अपॉन में टू प्लस वी, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग प्लस वाली टर्म ऊपर आएगी, माइनस वाली डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गया, लॉग से लॉग हम कैंसिल आउट कर देंगे, इस पावर वन अपॉन टू ऊपर पहुँचेगी, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ, चलो अभी कैंसिल नहीं कर रहे, इस पावर को मैं हटाकर यहाँ लिख लेता हूँ वन अपॉन टू, तो लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इस जो वन अपॉन टू है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं रूट में वी प्लस टू प्लस वी इज इक्वल टू सी अपॉन में एक्स, ठीक है। अब रूट को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट वी अपॉन में टू प्लस वी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, वी को रिप्लेस करेंगे वाई अपॉन एक्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स अपॉन में टू प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको देखें, देखो एलसीएम लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई अपॉन में एक्स अपॉन में टू प्लस वाई टू वाई टू एक्स हो जाएगा ना, है ना, टू एक्स ये हो जाएगा एक्स सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये एक्स है एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एक्स है एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ वाई अपॉन में टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, सी स्क्वायर को हम उधर रख देंगे क्योंकि हमें सी की वैल्यू निकालनी होगी, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हमने इसको मान ली इक्वेशन टू। हमें कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, गिविन दैट वाई इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू में। जब इक्वेशन टू में करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, या वन पुट करा वन और ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ वन पुट करा और टू और ये हो जाएगा थ्री, तो ये आ गई हमारे पास कितनी, वन अपॉइंट थ्री, सी स्क्वायर की वैल्यू वन अपॉइंट थ्री आ गई। जब सी स्क्वायर की वैल्यू वन अपॉइंट थ्री आ गई
तो हम लिख देंगे यहाँ पर c square इज इक्वल टू 1/3 पुट इन टू में, ठीक है, इक्वेशन टू में हम पुट कर देंगे। जब इक्वेशन टू में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में 2x + y, ठीक है, 2x + y इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो हमें क्या मिलेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी हमें 3x² y इज इक्वल टू 2x + y, ये हमारा आंसर होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ये होगी। तो नंबर 13, x sin² y / x - y dx + xy dy इज इक्वल टू 0, गिवन कंडीशन हमें दी गई है y π/4 व्हेन x इक्वल टू 1। तो हम निकालेंगे यहाँ से dy/dx, ये dx वाली टर्म इधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और इसके साथ तो जो dx है वो हमने इधर डिनोमिनेटर में आ गया, और जो y के साथ x है वो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। इतना करना तो सभी को आता है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये हो गया, आप जानते हो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पुट y इक्वल टू वी एक्स एंड इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव d अपॉन में dx इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो इसकी जगह हम ये पुट करेंगे और y की जगह vx पुट करेंगे, तो हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस x साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास vx अपॉन में x माइनस का vx अपॉन में x, x कैंसिल आउट और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो माइनस x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर v और माइनस का v, ये हो जाएगा हमारे पास x, यहाँ से x कैंसिल आउट, माइनस की में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v प्लस का v। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों सेम क्वांटिटी है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो साइन को मैं इधर लेकर आऊँगा, माइनस को यहीं रहने देते हैं, तो साइन जब इधर आएगा तो 1/ में साइन स्क्वायर v, तो v की टर्म है तो dv इधर ही रहेगा, माइनस x जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। साइन स्क्वायर v को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक स्क्वायर v, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर v dv माइनस 1/x dx। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्लियर, तो इंटीग्रेशन का सिंबल मैं ही लगा देता हूँ, ठीक है। कोसेक स्क्वायर v का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस का कॉट v, और यह हो जाएगा माइनस का log x, और जब माइनस का इधर है सारी टर्म, तो माइनस का हम लेंगे log c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी हो गया हमारे पास log c। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, cot v ऐसी रहेगा, माइनस का log x प्लस का हो जाएगा log c, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ठीक है, इसमें लग जाएगा log रूल, cot v log cx, ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन टू। हमें रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पर v को, है ना, तो हमें पुट v इज इक्वल टू y अपॉन में x इन टू में, तो हो जाएगा cot y अपॉन में x, ये हो जाएगा log cx, ठीक है, और कंडीशन हमें दी गई है गिविन दैट y की वैल्यू दी गई है π/4 और x की वैल्यू दी गई है 1 इन टू में, टू में हम ये पुट कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा cot π/4, x की वैल्यू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यह हो जाएगा log c, ठीक है, cot π/4 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा log c, ठीक है, log को हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 1 c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, e, c की वैल्यू e आ गई, पुट इन इक्वेशन 2 में, इसको हम किसके पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में,
इक्वेशन टू हमने किसको माना, इसको नहीं मान के इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री इसको मान लो, इन इक्वेशन थ्री में, ठीक है, वी एक्स और वाई वाले टर्म में हम पुट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कॉट वाई अपॉन में एक्स लॉग सी की वैल्यू कितनी है ई एक्स, ये इसकी रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस कोसेक वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ से हम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो सबको हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा प्लस का वाई अपॉन में एक्स, ये हो जाएगा माइनस का कोसेक वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आप लोग जानते हो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हम पुट कर देते हैं वाई इज इक्वल टू वी एक्स एंड इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव वन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमें ये यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है, तो डी वाई डी एक्स की जगह हम ये पुट करेंगे और वाई की जगह वी एक्स पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, तो वाई की जगह आ जाएगा वी एक्स अपॉन में एक्स माइनस कोशेक वी एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो इस वी को हम इधर भेज देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा वी भी, देखिए वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस कोशेक वी, वी से वी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमने सो नहीं करा है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि उसमें पूछा नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कि सो करिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लेकर लैम्डा लेकर यहाँ पे हम सो कर देंगे, जो होमोजीनियस फंक्शन है उसकी जो डिग्री है वो जीरो आ जाएगी, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अगर वो बोले तो सॉल्व करना, अगर जब वो बोले तो वो सो करोगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर नहीं बोलता तो आप लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो ये हमें मिल गया एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक वी, ठीक है, अब ये कोसेक वी को हम जो है इधर लेकर आएंगे और डी एक्स और एक्स को इधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस को वहीं रहने दो, तो वन अपॉन में कोसेक वी, वी का फंक्शन है तो डी वी माइनस का वन अपॉन एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स, ठीक है। कोसेक वी को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक वी हो जाएगा साइन वी डी वी माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो मैं इंटीग्रेट यहीं लगा देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो साइन का तो होता है कॉस, माइनस का कॉस वी, और ये हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस ही हम ले लेंगे लॉग सी, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट हम माइनस में ले आए, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, माइनस के सारे टर्म आ रही हैं, तो माइनस हमने लॉग सी ले लिया, ये माइनस यहाँ से कॉमन आने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा कॉस वी, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लॉग रूल लगाएं, है ना, लॉग रूल ये कहता है लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन, ये प्लस होता तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमें मिल जाएगा कॉस वी लॉग एक्स सी या सी सी एक्स, क्लियर। अब यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे किसको, वी को पुट करना पड़ेगा, वी इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स, ठीक है, इसमें पुट करना पड़ेगा, तो हम इसको सेकंड मान लेते हैं, वाई अपॉन में एक्स इन टू, तो जाएगा कॉस वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स सी, ठीक है, इस इक्वेशन को हम थ्री मान लेंगे, हमें कंडीशन दी गई है, ठीक है, गिवन कंडीशन, या हम लिख सकते हैं पुट वाई इज इक्वल टू दिया जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन इन थ्री, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, देखिए ये वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, यहाँ से मैं ये पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास
एक्स की जगह वन, वाई की जगह वन, तो कॉस जीरो अपॉन वन तो जीरो, ये हो जाएगा लॉग एक्स की जगह वन तो लॉग सी, ठीक है। तो यहाँ से लॉग जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, लॉग जीरो होता है वन, लॉग जीरो की वैल्यू होती है वन, इजिकल टू हो जाएगा लॉग सी, लॉग को इधर जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा इधर कन्वर्ट होकर, और ये वन जो है पावर में आ जाता है सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सपोनेंशियल, सी की वैल्यू एक्सपोनेंशियल आ गई, ठीक है। जो कांस्टेंट था हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ गई, तो इसको हम पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन थ्री में। जब वापस इक्वेशन थ्री में पुट करोगे तो आपको मिलेगा कॉस वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू लॉग सी की जगह आ जाएगा ई, ये तुम्हें रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1। यहां से हम निकालेंगे dy बाई dx, पहले इसको निकालेंगे, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा पूरा ये 2xy, माइनस कॉमन ही ले लेते हैं हम, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आ गया माइनस का, और माइनस का 2x स्क्वायर इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे मैं सो नहीं कर रहा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि दिया गया ये जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसमें क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है, 11 से 15 तक उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में। डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम ये पुट करेंगे, y की जगह वी एक्स पुट कर देंगे, तो हो जाएगा वी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x y की जगह वी एक्स प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 2x स्क्वायर v प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस v को मैं इधर लेकर आऊँगा, x डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 2v प्लस v स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस का v, ठीक है। यहाँ पर हम LCM लेंगे, 2 LCM आ गया तो 2v प्लस v स्क्वायर तो माइनस का 2v, माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में x डी वी अपॉन में डी एक्स, तो यहाँ बचाएगा v स्क्वायर बाई 2। अब जो है मैं इसको इधर लेकर आऊँगा, ठीक है, और x डी एक्स को इधर लेकर आऊँगा, देखिए इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल हो जाएगा, v वाली टर्म इधर एक साइड कर लेंगे तो 1 अपॉन में x डी एक्स, इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन हमने यहाँ से कर दिया, ठीक है। जब यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो 2 तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन v की पावर माइनस 2 डी वी, इसका हो जाएगा log x प्लस c, यहाँ पर log c मैं नहीं ले रहा हूँ, खाली कांस्टेंट c ले रहे हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी और एक स्टैंडर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो 2 ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा log x प्लस c। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको 2 और ये माइनस है यहाँ पर,
ठीक है, माइनस वन बचेगा तो माइनस ऊपर ले लेता हूँ मैं, वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस वन है तो ये हो जाएगा माइनस का टू अपॉन में वी लॉग एक्स प्लस सी। वी को हम जो है रिप्लेस करेंगे किससे, वाई अपॉन एक्स, पुट v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो माइनस का टू वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, तो जगह माइनस का टू एक्स, एक्स ऊपर आ जाएगा अपॉन में y लॉग एक्स प्लस सी। अब हमें कंडीशन दी गई है, हमें जो है कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन दी गई है, देखो क्वेश्चन में अगर हम देखें कंडीशन, y इज इक्वल टू टू वेन x इज इक्वल टू वन, तो हमें पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू टू x इज इक्वल टू वन। तो इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे, इक्वेशन टू ले लो, इक्वेशन टू है ना, और ऊपर क्वेश्चन नहीं लिया, नहीं इक्वेशन टू हमने इसको ले लिया, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू टू एंड x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू में। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें y की वैल्यू टू पुट करी और x इक्वल टू वन, तो x की वैल्यू वन पुट करी टू, y की वैल्यू टू, ये हो जाएगा log वन प्लस सी। ठीक है, log वन की वैल्यू आप लोग जानते हो, log वन होता है जीरो, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई यहाँ से c इज इक्वल टू माइनस वन, c की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब c की वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा इक्वेशन टू में, ठीक है, हमें पुट करना पड़ेगा इक्वेशन टू में, तो मैं यहीं इधर ही लिख देता हूँ, पुट c इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू है हमारे पास माइनस का टू एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस का वन। ठीक है, इस माइनस को हम इधर भेजते हैं और ये हो जाता है, इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा वाई लॉग एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस का टू एक्स अपॉन में लॉग एक्स माइनस वन, ये हमें रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आंसर मैच करना हो इस माइनस को नीचे लाकर, ठीक है, या एक काम करो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो y इज इक्वल टू माइनस का टू एक्स अपॉन में, माइनस कॉमन ले लिया तो वन प्लस का हो गया, माइनस का हो गया लॉग एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो आंसर मैच करने के लिए हमने ये करा है टू एक्स अपॉन में वन माइनस लॉग एक्स। अगर आप इतना भी छोड़ देते है ना, आप इतना भी छोड़ देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, यह भी आंसर सही था। लास्ट के दो क्वेश्चन ये बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, तो इनको हम कर लेंगे एक साथ। 16 में तो हमसे पूछा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये वाली फॉर्म दे रखी है। ठीक है, मोस्टली हमारे पास जो क्वेश्चन थे डी एक्स अपॉन में डी वाई एफ ऑफ एक्स वाई या एफ ऑफ एक्स वाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म के थे। तो इसके लिए जो सब्सटीट्यूशन हम यूज़ करते थे वाई इज इक्वल टू वी एक्स एंड और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, ये तो यूज़ करते थे। लेकिन इस पैटर्न के लिए भी मैंने बताया था आपको डी एक्स अपॉन में डी वाई हो, एच एक्स अपॉन में वाई हो, ठीक है, तो इस फॉर्म के लिए हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करते थे x इज इक्वल टू वी वाई, ठीक है, एंड डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी अपॉन में डी वाई, ये सब्सटीट्यूशन यूज करते थे। तो इसका जो ऑप्शन इसमें आ रहा है सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन होता है, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है,
होमोजीनियस फंक्शन की अगर हम बात करें, जैसे फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू बी होमोजीनियस फंक्शन, इज सेट टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, उसकी डिग्री क्या हो, एन हो, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, इफ एफ इज इक्वल टू, रिप्लेस करें एक्स को लैम्डा एक्स है, लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एन कॉमन आ जाए और हमें फंक्शन वापस वही मिल जाए, फोर एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, फोर एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लैम्डा। ठीक है, तो इनमें से अगर हम देखें, इसमें से अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम जो है इसमें होमोजीनियस फंक्शन देख लेंगे, उसकी डिग्री जीरो आ रही है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अगर हम ए देखें ऑप्शन, इसका ए देखें, 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू dy माइनस 3y प्लस 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू 0, इस टर्म को हम इधर भेजेंगे तो dy बाई dx तुम यहाँ से निकाल लोगे, तो ये तो हो जाएगी इधर आके 3y प्लस 2x प्लस 4 अपॉन में 4x प्लस 6y प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा फंक्शन हमारे पास, तो लेट f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 2x प्लस 4 अपॉन में 4x प्लस 6y प्लस 5। अब x को रिप्लेस करेंगे हम लैम्डा x है, y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से, 3 लैम्डा y प्लस 2 लैम्डा x प्लस 4 अपॉन में यह हो जाएगा 4 लैम्डा x प्लस 6 लैम्डा y प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लैम्डा कॉमन लें, ऊपर से लैम्डा कॉमन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है ये 4 है, यहाँ नीचे भी लैम्डा कॉमन नहीं आएगा, तो हम इसको, ये तो होमोजीनियस फंक्शन ही नहीं है, इट इज़ नॉट होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन इसका नहीं होगा ए, इसका ऑप्शन जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, मैंने एक करके बता दिया है, आप लोग ट्राई करना एक एक ऑप्शन करके, है ना। डी ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे, डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन है हमारे पास वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स वाली टर्म इधर जाएगी, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से अगर हम फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, क्लियर। यहाँ से अगर हम देखेंगे, एक्स रिप्लेस करेंगे लैम्डा एक्स से, वाई रिप्लेस करेंगे लैम्डा वाई से, तो माइनस का लैम्डा वाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई माइनस का लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखोगे लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर मैंने ऊपर तो बाहर ले लिया, माइनस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया तो आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा एक्स वाई, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेते वाई स्क्वायर, तो मैं लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये होमोजीनियस फंक्शन तो है डिग्री जीरो, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन डिग्री जीरो एफ ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन में वाई वही मिल गया। तो होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री होती है जीरो तो कहलाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी इसका सही होगा।